शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें भारी जनसैलाब ने कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव का समर्थन किया। रोड शो के दौरान चिरंजीव राव और उनके पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव गदगद हो गए। वहीं राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने भी चिरंजीव राव को अपना समर्थन दिया। रेवाड़ी को मैं मैसेज देना चाहूंगी कि अगर इतना मेहनती लड़का जो खड़ा हुआ है रेवाड़ी के लिए, आप लोग के लिए आगे भी चल के बहुत ही मेहनत वाले काम करने वाला है। जो लोगों का जोश और जिस तरीके से जनता ने आक्रोश है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रॉपर्टी आईडी इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको देखते हुए जनता में बड़ा भारी आक्रोश था। आज राहुल गांधी जी को जो उनकी नीतियां हैं, जो उन्होंने कहा है कि हम किसानों की बात मानेंगे, न्यूनतम मूल्य देंगे, उनको एमएसपी देंगे, उसको लेकर व्यापारियों को जिस तरीके से 25 लाख रुपया जो हमने राजस्थान से चिरंजीव योजना ली है उसको लेकर लोगों को बड़ा उत्साह है कि गरीब आदमी का चिकित्सा हो जाएगी उसमें। आप देख रहे हो एक तरफा माहौल है। मैं कह रहा था पहले दिन से कि एक तरफा जीत है और पूरी रेवाड़ी आज मेरे बुजुर्ग माता है, मेरे नौजवान साथी जिस तरह निकल के आए, मेरे पीसीसी अध्यक्ष हमारे डोटासरा जी यहाँ है, इनको देखने के लिए भी बहुत लोग यहाँ पर आए। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा ही जीत रही है। बाकी दी थी इसलिए हमारा फर्ज बनता है और आज हमने देख लिया इनका जलवा। ये जो गाना बोल रहा है ना ये सार्थक होगा। जब भी आप हमने कई सुबह देखी आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर दिखाई देती है लोगों को। पॉजिटिव एनर्जी कांग्रेस में है, ये बेईमान लोग हैं बीजेपी वाले।